वो है डंबल किकबैक्स। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत लाइट सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इस तरीके से आप लगा रहे हो, कोई ज़्यादा इसमें हैवी मूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपके ट्राइसेप को पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है। अगर आप ट्राइसेप के लिए ट्राइसेप किकबैक करते हो तो आज इसे करना बंद कर दो। तो जब आप ट्राइसेप किकबैक करते हो इसके अंदर आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा कम मिलता है, और अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन करने की कोशिश करते हो आधे रेंज ऑफ मोशन के अंदर तो आप बाइसेप ट्रेन कर रहे हो। ये तो वही बात होगी अगर आप बेंड होके हैमर कर्ल कर रहे हो, तो ये करने का कोई फायदा नहीं है। और जब आप किकबैक के अंदर अपनी एल्बो को एक्सटेंड कर लेते हो यहाँ पे आपका मसल वीक होता है, पर यहाँ पे चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। और जब आप अपनी एल्बो को थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेते हो यहाँ पे आपका मसल स्ट्रांग होता है, पर यहाँ पे चैलेंज कम हो जाता है। और जब आप ये नीचे वाली पोजीशन के अंदर आ जाते हो यहाँ पे तो चैलेंज जीरो हो जाता है। तो किकबैक करने का कोई फायदा नहीं है, आप किकबैक की जगह सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन कर सकते हो, ये इसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है।